राजनांदगांव में एक के बाद एक तीन मर्डर होने से सनसनी फैल गई। दरअसल सुबह के समय शहर में नंदई और गौरीनगर में दो युवकों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मंगलवार को भी मोखला गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई थी और उस मामले में पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा है। तीनों युवकों की हत्या के मामले को आपसी रंजिश के चलते होना बताया जा रहा है, जिसे लेकर पुलिस का कहना है कि अब तक वारदात को लेकर चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और भी आरोपी होंगे तो उन्हें भी जल्द से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो एक मृतक है वो काना सारथी है जो कि निवासी गौरीनगर का है, और दूसरी जो मृतक हमें बॉडी मिली है वो अस्पताल में मिली, जिला अस्पताल, जो जितेंद्र साहू पिता परमानंद साहू और जो कि ये नंदई चौक के पास रहने वाले हैं, दोनों में मर कायम कर मतलब जांच चल रही है। संदिग्धों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ चल रही है।